Assalamualaikum. So today in this video I will tell you about important short questions of chapter number 11 sound of 10th class physics. You will come to know about different short questions from the different topics के कौन से short questions जो हैं किस topic में से important है board point of view से board exam में कौन से short questions जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं. वेरी फर्स्ट पेज पे साउंड वेव्स वाला जो ये पैराग्राफ है यू नीड जस्ट टू रीड इट. इसको जस्ट आप एक बार रीड आउट कर लें, इट्स इनफ. इसमें से एज सच कोई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है. उसके बाद साउंड वेव्स के बाद जो नीचे वाला इसका पैराग्राफ है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, हाउ, या एक्सप्लेन इट, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हाउ कैन द साउंड इज़ प्रोड्यूस, या हाउ कैन वी प्रोड्यूस द साउंड. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इसका आंसर आपने यही लिखना है, उसको एक एग्जाम्पल के से बताना है कि किस तरह से हम एक बॉडी को वाइब्रेट करके साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका निशान भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है तो आपने इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है. पूरी एक्टिविटी ही आपको तकरीबन करना पड़ेगी क्योंकि उस हॉल एक्टिविटी में उसने इस बात को एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट पे जो है वो साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये जो ग्रीन लाइन है यही इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इसके आगे वो ये कह सकता है एग्जामिनर के लाइक साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन एक्सप्लेन. इसी को आप जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें. तो उसके लिए आपको यही जो एक्टिविटी है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है किसी को तो आप इसको लाइक फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको स्किप भी कर सकते हैं. जो नीचे वाला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, इसको आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, एक्सप्लेन द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स. तो इसके अंदर भी ये एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगी. फर्स्ट 3 to 4 लाइंस आप स्किप कर सकते हैं. ये जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ से आप लोग इतना और आगे जो है ये थ्रू द ईयर तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर से जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है. तो फर्स्ट पे तो लाउडनेस है. लाउडनेस की आपको डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए. उसके बाद जिसके नीचे फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स आपने अच्छे से करना है. इफ़ अगर किसी स्टूडेंट को ये लेंथी लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो अगर आप इसको याद नहीं भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसकी हेडिंग्स को लाजमी तौर पे याद रखें कि अगर शॉर्ट में फॉर एग्जांपल उसने लाउडनेस का पूछा है तो आप फैक्टर्स को भी बता सकें कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक एम्पलीट्यूड, एरिया, डिस्टेंस एंड ये मतलब जो ग्रीन लाइन में इसकी मेन हेडिंग्स है ना, एटलीस्ट उनको तो लाजमी याद करें और ये देख लें कि इनका रिलेशन क्या बन रहा है. लाउडनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है या इन्वर्स रिलेशन बन रहा है. एम्पलीट्यूड ज़्यादा करने से लाउडनेस ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है. ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखें अगर आप ये सारा याद नहीं भी करना चाहते, ताकि शॉर्ट के तौर पर या MCQs के तौर पर आप इसको अटैम्प्ट कर सकें. बाकी मैंने इसको शॉर्ट करने की भी कोशिश की है. ये ऊपर मैंने निशान लगा दिया है, जितना मतलब इतना भी आप कर लें तो इनफ है, ठीक है. उसके बाद डिस्टेंस वाला है. डिस्टेंस वाले को भी आप ये बस पहली 1-2 लाइन में ही इसको बता सकते हैं, 3-4 लाइनों में, ठीक है. ये स्टार्टिंग वाला पूरा पैराग्राफ करना आपने. उसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर. अच्छा, दिखने में तो आपको ये 3 फैक्टर्स ही लग रहे हैं कि जो लाउडनेस है वो जस्ट 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बट 4th फैक्टर भी उसने दिया हुआ है. एज सच अलग से हेडिंग तो नहीं बनाई हुई, लेकिन 4th फैक्टर भी है जो है फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर. तो इसको भी लाजमी तौर पे आपने देखना है. उसके बाद आगे आ जाता है पिच. पिच की भी डेफिनेशन आपने करनी है. ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो आपको मालूम होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. फिर हायर पिच किसकी होती है, लोअर पिच किसकी होती है. लाइक मेल और फीमेल एंड जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनकी जो है वो किस तरह से पिच और फ्रीक्वेंसी होती है वो देख लें आप यहाँ पे MCQs के लिए. उसके बाद आगे क्वालिटी है. क्वालिटी की जो है वो डेफिनेशन आपने करनी है और उसके बाद जो ये नेक्स्ट 2 to 3 लाइंस जो हैं इसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया है इसकी एग्जाम्पल को, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल भी आपने साथ में करनी है. नेक्स्ट पेज पे जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की वो है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इंटेंसिटी का यूनिट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है. उसके बाद आगे आ जाता है साउंड इंटेंसिटी लेवल। उस साउंड इंटेंसिटी लेवल और साउंड इंटेंसिटी को आपने जो है वो मिक्स नहीं करना। पास्ट पेपर 2024 में क्वेश्चन एक मैंने देखा था टिप्स के अंदर कि व्हाट इज़ द साउंड इंटेंसिटी लेवल, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। तो वही मैं बताना चाह रही थी कि आपने साउंड इंटेंसिटी लेवल की जगह फिर इंटेंसिटी को नहीं लिख देना। साउंड इंटेंसिटी लेवल इज़ अनदर टॉपिक एंड इंटेंसिटी इज़ अनदर टॉपिक। तो इस लिहाज से आप ध्यान में रखिएगा कि आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल पूछा गया है या साउंड इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया। तो अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल का पूछा तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट कर लें। इसके अंदर से MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो इसका एक फॉर्मूला है कि log i/i naught, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। MCQs में रिलेशन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो एज सच नहीं, बट ये न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मोस्टली ये जो है फॉर्मूला यूज़ हो रहा है शुरू वाले कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन लिखा है कि बेल का डेसिबल के साथ क्या रिलेशन है। इसको आप MCQs के तौर पर देख लें अच्छे से कि 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल के इक्वल होती है। ये MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे फिर एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन इको ऑफ साउंड। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट ये जो ब्लू बॉक्स है ये डेफिनेशन है। उसके बाद ये जो इसका नीचे वाला पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ के अंदर उसने बताया है कि आप किस तरह से टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको साउंड की वेलोसिटी और टाइम मालूम हो कि कितने टाइम में आपका जो साउंड है वो आपको दोबारा से सुनाई दिया है, यानी इको। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए S=V/T। मतलब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम है, आपको टाइम मालूम है, तो आप इजीली टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप नहीं भी याद करना चाह रहे तो इट्स ओके, बट यू शुड नो कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास है वो स्पीड ऑफ साउंड है। दिस पैराग्राफ इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, बट MCQs के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप MCQs को रीड आउट कर लें। जैसे ये स्पीड ऑफ साउंड का एक MCQs बन रहा है कि रूम टेम्परेचर 21 डिग्री पे रूम टेम्परेचर 21 डिग्री पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने एक्सप्लेन किया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस में किस तरह से डिफरेंट है या किस तरह से ज़्यादा है, कम है। वैक्यूम के अंदर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें MCQs के लिए आपने अच्छी तरह से देखनी है। नेक्स्ट पेज पे ये एक एक्टिविटी गिवन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एज मच एज इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये भी कुछ इतना ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टार्टिंग में तो जो हमारे पास एक म्यूज़िकल साउंड, एक शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है इसके अंदर से, उसकी डेफिनेशन बन सकती है। द साउंड जो हमें सुनने में बहुत प्लेजेंट लगते हैं, तो दीज आर म्यूज़िकल साउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पे ही नॉइज़ को फिर उसने एक्सप्लेन किया है, नॉइज़ की डेफिनेशन के जो अनप्लेजेंट साउंड्स हैं जो हमारे कानों को सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये नॉइज़ है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आप म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन और एग्जाम्पल कर लें, फिर नॉइज़ की डेफिनेशन कर लें। उसके बाद नॉइज़ का जो मेजर हमारे पास इश्यूज़ हैं या ह्यूमन हेल्थ को वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये आपने जो है वो याद करना है। ठीक, नॉइज़ के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ये 2-3 लाइनें हैं, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट में फिर उसने बताया कि जो सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तो MCQs में आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता तो जो है वो MCQs में पूछा जा सकता है। तो दोनों लिहाज से याद कर लें इसको, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के तौर पे भी याद रखें। नेक्स्ट सेफ़ लेवल ऑफ साउंड उसने लिखा हुआ है। मैथमेटिकल टर्म्स जो होती हैं वो तो वैसे इंपॉर्टेंट होती हैं MCQs के लिए, तो इसको देख लें कि 85 से 90 जो है डेसीबल। उसके बाद इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ वी कैन रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन, तो ये वाला भी आप कर लें शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। इसकी डेफिनेशन लाजमी तौर पर लर्न करें। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलें तो उसके अंदर उसने ये सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि रेवर्बरेशन क्या होती है, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का क्या हमें एडवांटेज है, कहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल्स में या जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बड़े स्पीकर्स वगैरह लगे हों, साउंड बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम साउंड को किस तरह से कंट्रोल करने के लिए अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का फिनोमेना यूज़ करते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें। यहाँ पे एक रेवर्बरेशन की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का फिनोमेना को करने के लिए जो हमारे लेक्चर हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, उनकी डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप लर्न कर लें। नेक्स्ट आ जाती है जी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs। आपको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन ईयर की मालूम होनी चाहिए, 20 हर्ट्स to 20,000 हर्ट्स। ठीक है, एक तो ये MCQs हो गया। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उसके बाद तो इसकी डेफिनेशन है जी, वो तो हमने करनी ही है लाजमी तौर पे। ठीक है, डेफिनेशन करनी है लाजमी। उसके बाद आगे आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये तो आपको मस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड डिफरेंट फील्ड्स में है, मेडिकल फील्ड में है कि किस तरह से यूज़ हो सकती है, उसके बाद इंडस्ट्रियल में है, सोनार सिस्टम है, ये आपको सारा जो है वो मालूम होना चाहिए। मेडिकल फील्ड के पॉइंट्स आप बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं निशान लगा रही हूँ, आप ये बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, यानी आप इसको पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया ये थायराइड ग्लैंड वाला। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो हमारे पास आ जाता है सोनार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सोनार या हाउ द अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड इन द सोनार टेक्निक। ठीक है, किस तरह से अल्ट्रासाउंड जो है वो सोनार टेक्निक में यूज़ हो सकती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सोनार का पता होना चाहिए कि क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक आ जाता है पॉइंट क्रैक्स वाला। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है सोनार वाला। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है वो सोनार रेंजिंग का इसने एक और यूज़ बताया, वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर ये जो क्रैक्स वाला है ना, इंडस्ट्रियल में लाइक मशीन्स में क्रैक्स वगैरह जो हो जाते हैं उसको भी हम मालूम कर सकते हैं। ये बस आप रीड आउट कर लें, अगर करना चाहता है कोई तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें। बट इफ़ किसी को यूजेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेंथी लग रहे हैं, तो वो ये वाला यूज़ छोड़ दे। यह वाला जो यूज़ है ये मेडिकल फील्ड का ही फोर्थ पॉइंट बना लें आप। ठीक है, और दीज आर द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 11। इसके अलावा आप इस तरह की अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं, तो विजिट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।